डिस्क्लेमर, ये एक इंग्लिश मूवी के ट्रांसलेट वीडियो है, तो कृपया करके कमेंट में ये मत लिख देना तो तू भाई कॉपी करता है। आपके लिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की है ये इंग्लिश वीडियो। आपने बहुत सारी हॉरर मूवी देखी होगी जो बहुत डरावनी भी होती है, पर हॉरर मूवी में जो गोस्ट का किरदार निभाते हैं वो अपनी रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं नहीं पता ना, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं। तो इस वीडियो का टाइटल है हॉरर मूवी में 12 सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन। नंबर 12, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन 2017, जो हॉरर मूवी है जिसमें जो जोकर का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है। ये कैरेक्टर स्वीडिश एक्टर 70 इयर्स ओल्ड बिल स्कार्सगार्ड ने निभाया था। ये रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं, कितना फर्क है आप खुद ही देख सकते हो। पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन, इट बिल स्कार्सगार्ड फेमस है अपनी डरावनी स्माइल से। नंबर 11, मामा जेवियर बोटेट। आप पहले ये मूवी का ट्रेलर देखो, इसमें जो ये कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है जो जेवियर बोटेट ने निभाया है। वे अपने शरीर को कुछ ऐसे दिखा सकते हैं जो उनकी एक खूबी है। इसकी उंगली आप ये फोटो में खुद ही देख सकते हो, ये उनकी खूबी। ये एक बीमारी है जिसका नाम है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम होने से शरीर कुछ ऐसा हो जाता है, आप फोटो में देख ही सकते हो। नंबर 10, ड्रैन डेल्फिन चानेका। ये मूवी 4 जून 2010 को रिलीज हुई थी। ये मूवी में कुछ ऐसी दिखती है और रियल लाइफ में कुछ ऐसी। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। सी इज नॉट ओनली टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड मॉडल बट ऑल्सो अ राइटर एंड अ डीजे डेल्फिन। ये सिर्फ टैलेंटेड एक एक्ट्रेस नहीं है बल्कि ये एक मॉडल भी है और राइटर और डीजे डेल्फिन भी है। इनको इसी मूवी से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के किरदार को निभाने के लिए अपने पूरे बाल भी उतरवा लिए थे। नंबर 9, समारा बॉनी मॉर्गन। ये 2016 में सबसे पॉपुलर मूवी में से एक है। मूवी में कुछ ऐसी और रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखती है। ये अपनी बॉडी को कुछ ऐसे आकार दे सकती है, इसीलिए इस लिस्ट में इसका तो नाम बनता है ब्रो। नंबर 8, पिरामिड हेड रॉबर्टो कोपनेला साइलेंट हिल 2006। इस मूवी में जो पिरामिड हेड का किरदार निभाया है वो एक एक्टर भी है और एक कोरियोग्राफर भी। इस मूवी में पिरामिड हेड का भी रोल निभाया था और इसमें जेनिटर यानी कि चौकीदार का भी रोल निभाया था। नंबर 7, जी क्रीपर जोनाथन ब्रेक जीपर क्रीपर्स 2001। ये मूवी बहुत शानदार है, मैंने पहली बार देखी तो मेरे को बहुत पसंद आई थी। ये मूवी आपको देखनी है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये रोल को प्ले करने के लिए उन्होंने काफी सारी सीरियस रिसर्च की थी तभी ये रोल संभव हो पाया है। 2004 में थ्रिलर ड्रीमलैंड जो मूवी थी उनके डायरेक्टर यही ब्रेक थे। नंबर 6, मिशेल ब्रांड इंसिडियस चैप्टर 2 2013। इस मूवी में जो घोस्ट का रोल है वो डेनियल बिजुटी ने निभाया था। इस इमेज में आप फर्क तो देख ही सकते हो। डेनियल बिजुटी ने बहुत सारी मूवी में काम किया है और मूवी के लिए सॉन्ग भी लिखते हैं। नंबर 5, जेथर पॉल्क फिन विट्रॉक अमेरिकन हॉरर स्टोरी 2011। ये मूवी में कुछ ऐसे दिखते हैं और रियल लाइफ में कुछ ऐसे हैंडसम लगते हैं। ऐसा रोल प्ले करना कोई आसान बात नहीं है। नंबर 4, टीवीस्टी द क्लाउन जॉन कैरोलिंच अमेरिकन हॉरर स्टोरी 2011। जॉन कैरोलिंच ने अपने करियर की स्टार्टिंग एज अ थिएटर एक्टर से की थी। 1990s में जॉन कैरोलिंच ने अपनी डायरेक्शन को चेंज की और मूवी इंडस्ट्री में काम किया। आप खुद ही देख सकते हो कि जॉन कैरोलिंच ने ऐसे ऐसे भयंकर किरदार निभाए हैं। नंबर 3, मैरी सॉ जूडिथ रॉबर्ट्स डेड साइलेंट 2006। इसको रियल फेमस डेड साइलेंस मूवी में मैरी सो का किरदार निभाने के बाद मिला था। आपको ये मूवी हिंदी में तो नहीं मिलेगी पर मैं आपको एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो वीडियो आप जाके देखो। आपको पूरी मूवी की कहानी सिर्फ 16 मिनट में हिंदी में बता देगा। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। नंबर 2, जॉम्बी जैन एंजलोविच द वॉकिंग डेड 2010। अब उल्टा खेलते हैं, आप पहले इसकी रियल लाइफ की फोटो देखो और फिल्म में कुछ ऐसा। द वॉकिंग डेड में इसने जॉम्बी का किरदार निभाया है। नंबर 1, ब्राइड इन ब्लैक
टॉम फिट्ज़गेरिक इंसिडियस चैप्टर 3 2015। ये भी बहुत डरावनी मूवी है। हिंदी वर्जन तो नहीं है पर एक्सप्लेन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। ये इमेज है रील की और ये इमेज है रियल लाइफ की, आप खुद ही फर्क देख सकते हो। तो ये रोल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रोल एक मैन ने प्ले किया था। है ना चौंका देने वाली बात। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब चलो आपको एक बोनस फैक्ट भी दे देता हूँ। बोनस फैक्ट, दिस जोकर जेराड लेटो, सुसाइड स्क्वाड 2016। इस मूवी में जो जोकर का किरदार फेमस सिंगर एंड एक्टर जेराड लेटो ने प्ले किया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके फैंस को भी पता नहीं चला था कि ये रोल जेराड लेटो ने निभाया था। लाइक तो आप बिना पूछे ही कर देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर आपको याद दिलाना मेरा काम है। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। और आपको लगता है कि मेरे दोस्त को, मेरे परिवार को ये नॉलेज होनी चाहिए तो मेरी ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना। और हमेशा की तरह आपके मन में जो भी सवाल है वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं रिप्लाई जरूर दूंगा 100%। तो दूसरा कुछ तो है ही नहीं कहने के लिए, तो जय हिंद जय भारत।